हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? दोस्तों आज अपन गामा फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बीटा फंक्शन की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने समझाई थी और उनको प्रूफ किया था। तो आगे जो प्रॉपर्टीज है वो रिलेशन बिटवीन बीटा और गामा फंक्शन है। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले अपन को गामा फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। गामा फंक्शन होता क्या है और इसके कुछ रिकरेंस फॉर्मूलेज है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको समझना अपन को बहुत जरूरी है। तो देखिए, गामा फंक्शन क्या होता है, जिसको यूलर सेकंड इंटीग्रल भी कहता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीटा फंक्शन को यूलर फर्स्ट इंटीग्रल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूलर सेकंड इंटीग्रल भी कहते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, वेदर इट इज द सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल। और ये आईलेट वाले जो इंटीग्रल्स होते हैं, जहां बार बार आपको आईलेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ता है, उस वाले क्वेश्चन को अगर अपन गामा फंक्शन का यूज करें तो अपन मिनिमम टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गामा फंक्शन है क्या। गामा फंक्शन एक्चुअली इनफाइनाइट इंटीग्रल है। क्या है? 0 to infinity e^-x.x^n-1 dx। ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है इसको गामा फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा फंक्शन कहते हैं, जहां पर ये जो n है, n बिलोंग टू कैपिटल n है, n e^-x.x^n-1 dx, जहाँ n belong to capital N, इसका मतलब यहाँ पे capital N का मतलब वो natural number है, यानी जो यहाँ पे n है वो natural number को belong करेगा। तो ये जो integral है इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। इसको इसका notation ये है गामा n। क्या notation है इसका? गामा n, इसको बोलते हैं गामा n। यानी यहाँ different different अगर n की value input की जाए, है ना, जैसे गामा 2 निकालना हो तो मैं बताऊंगा कि आगे कैसे गामा 2, गामा 3, गामा 4 कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये अपन को कैसे हेल्प कर सकता है इंटीग्रेशन के अंदर, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे अगर आपको कोई बोले कि e^-x.x^5 dx इसका इंटीग्रेशन 0 to infinity कीजिए, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन 0 to infinity करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट बार बार लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं गामा फंक्शन का अगर यहाँ पे यूज करूं तो अगर मैं इससे इसका कंपेरिजन करूं, n-1 = 5, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, n-1 = 5, n की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट गामा 6 निकाल लूंगा, तो कितना आसान रहेगा। तो ये अपने गामा फंक्शन का यूज करके अपन हायर ऑर्डर के जो इंटीग्रल है, जहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपन को बार बार यूज करना पड़ता है, जहां पे एल्जेब्रिक फंक्शन प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन, देखिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस टाइप के जो इनफाइनाइट इंटीग्रल होते हैं, हायर ऑर्डर के एल्जेब्रिक इंटीग्रल जो होते हैं, यहाँ पे 5 की जगह 9 भी हो सकता है। अगर 9 होगा तो गामा 10 निकल जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, n-1 = 9 करेगा, n = अपना क्या आ जाएगा, है ना, n-1 = लेट सपोज 9 होगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो गामा 10 डायरेक्ट निकाल दूंगा। गामा 10 भी निकालना बहुत आसान है ना। गामा 10 एक्चुअली 9 फैक्टोरियल होता है, वो कैसे होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो अपन गामा फंक्शन का यूज करके बहुत आसानी से इंटीग्रेशन बाय पार्ट की काफी प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व कर लेते हैं, आईडेंट बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपन को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गामा फंक्शन है क्या। गामा फंक्शन है गामा एन इक्वल टू 0 to infinity e^-x.x^n-1 dx, जहां एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अब यहां पे अपन को समझना पड़ेगा कि जो ये गामा फंक्शन है इसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मतलब रिकरेंस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। एक तो फॉर्मूला इसका है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन, एक तो ये इसका रिकरेंस फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, है ना। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रिकरेंस फॉर्मूला है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट रिकरेंस फॉर्मूले को अगर अपन डेराइव करके अगर अपन समझ लें, इनका प्रूफ अगर अपन समझ लें, तो अपन आसानी से इन चीजों को समझ पाएंगे और आसानी से अपन इसकी जो अप्लीकेशन है प्रॉब्लम से लगाने में सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन इस वाले पे टारगेट करते हैं, गामा एन प्लस वन है वो एन गामा एन कैसे होता है, है ना। तो वो करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, देखो गामा एन प्लस वन की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे? गामा एन प्लस वन। गामा एन प्लस वन निकालने का तात्पर्य मतलब क्या है, एन को रिप्लेस करना है एन प्लस वन से इसके अंदर, है ना। तो इस एन की जगह एन प्लस वन आएगा, तो यहां पर क्या आएगा, एन प्लस वन। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 0 to infinite लिमिट है e^-x. या n की जगह n प्लस वन आएगा तो एक वन से वन कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे n बचेगा, है ना, dx, है ना। अब इसको अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है अपने पास है नहीं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आईलेट लगा लेंगे फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, है ना। तो यहाँ का अपना क्या नियम रहेगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए,
इसका करूंगा मैं इंटीग्रेशन और इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये अपना सेकंड पार्ट हो जाएगा, है ना। सभी को पता होगा इंट्री दो फंक्शन होता है, यू वी, तो अपना क्या रहता है इंटीग्रेशन यू है ना वी माइनस फिर रहता है वी डैश इंटीग्रेशन यू है ना। तो इस प्रकार से अपना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट चलता है, जहां पे एक का इंटीग्रेशन और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है। तो देखिए e रेस टू माइनस एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, तो माइनस e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, और x रेस टू n एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, dx, ठीक है, लिमिट जीरो टू इंफाइनिट। और दूसरी बार क्या रहेगा तो ध्यान से देखिए, दूसरी बार x रेस टू n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx n माइनस वन है ना, और वापस e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया nx n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस e रेस टू माइनस एक्स dx, सॉरी dx नहीं आएगा, इस पूरे का dx आएगा ना, है ना। जरा ध्यान से देखिए कैसे अपन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी यहां पर अपनी लिमिट आएगी है ना, यहाँ पे लिमिट आएगी जीरो टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हो गया ना जीरो टू इंफिनिटी, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन होगा जीरो टू इंफिनिटी है ना। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ई रेस टू माइनस एक्स है, तो उसका क्या होगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो गया, और डॉट एक्स रेस टू एन एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे अपना डी एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स की पावर एन का क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन डॉट और ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पे मैं देखो लिमिट यहां पे लगा दूं तो मेरे पास देखो क्या आएगा, लिमिट लगाने पे देखो मेरे पास क्या आएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लगाएंगे यहां पे, तो जीरो डालने पे क्या होगा देखो ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो क्या जीरो डालने पे क्या हो जाएगा देखो एक्स यहां पे देखो अगर जीरो डालेंगे ना ई रेस टू जीरो तो वन हो जाएगा, और यहां पर डालेंगे तो जीरो हो जाएगा एक्स की जगह, तो ये क्या हो गया जीरो, ठीक है, फिर माइनस इंफाइनिट डालेंगे तो ई रेस टू माइनस इंफाइनिट भी क्या होता है जीरो होता है। तो कुल मिला के ये तो अपना पूरा वैनिश हो गया ना, खत्म हो गया है ना, इसका तो सॉल्यूशन अपना जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये माइनस साइन अगर बाहर डाले तो ये प्लस हो जाएगा, देखो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स था तो ये हो जाएगा जीरो टू इनफाइनाइट, और इस एन को भी बाहर डाले तो एन बाहर आ गया एक्स रेस टू एन माइनस वन ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए एन बाहर आ गया, इस चीज पर जरा ध्यान से फोकस कीजिए, ये चीज क्या है ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, देखिए ये गामा एन है, तो अपना देखिए प्रूव हो गया एन गामा एन, और ये अपन क्या लेके चल रहे थे गामा एन प्लस वन, क्या लेके चल रहे थे गामा एन प्लस वन, तो अपना ये प्रूव हो गया गामा एन प्लस वन क्या होता है एन गामा एन होता है। वापस समझाता हूं मैंने कैसे प्रूव किया, कुछ नहीं किया मैंने, एन को रिप्लेस किया एन प्लस वन से, तो यहाँ एन प्लस वन आएगा, तो एन प्लस वन आने पर क्या बचेगा एक्स की पावर एन बचेगा यहाँ पे देखिए एन प्लस वन, तो एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा है ना। गामा एन प्लस वन का मतलब है एन को रिप्लेस करना एन प्लस वन से, तो अपना क्या हो गया जीरो टू इंफाइनिट ई रेस टू माइनस एक्स डॉट एक्स रेस टू एन डी एक्स हो गया। फिर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट अपन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन अपना एक्सपोनेंशियल है सेकंड फंक्शन अपना एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन किया ई रेस टू माइनस एक्स का माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो गया डॉट एक्स रेस टू एन एज इट इज, और इसकी लिमिट है अब लगाएंगे इसके अंदर जीरो टू इंफाइनिट, ठीक है ना, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें x रेस टू n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस वन, और वापस इसका इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स का माइनस e रेस टू माइनस एक्स। तो यहां पे मैंने इसकी लिमिट यहां पे पुट कर दी, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो डालेंगे है ना, तो ये जीरो हो जाएगा देखो x की जगह जीरो डालेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो x की जगह जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो गया, ठीक है ना, और इनफाइनिट डालेंगे तो e रेस टू माइनस इनफाइनिट जीरो होता है, आप याद रखिए। तो ओवरऑल ये चीज तो पूरी वैनिश हो गई, खत्म हो गई, जीरो माइनस जीरो जीरो, और यहां पे माइनस साइन था बाहर आ गया प्लस हो गया, ठीक है, और n यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बचा x रेस टू n माइनस वन डॉट e रेस टू माइनस एक्स dx। तो ये चीज अपनी क्या है गामा n है, गामा n की डेफिनेशन है ना, तो ये गामा n हो गया, तो अपना प्रूव हो गया गामा n प्लस वन क्या होता है n गामा n होता है। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेकरेंस रिलेशन है जो आगे काफी काम आने वाला, और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। तो एक चीज आप याद रखना कि गामा n प्लस वन क्या होता है n गामा n होता है। अब दूसरा मैं एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि गामा एन प्लस वन है उसको एन फैक्टोरियल भी कहा जा सकता है ना, क्या कहा जा सकता है गामा एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल। तो इसको अपन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे इसको देखते हैं, तो मैं ये यहां से मिटा देता हूं, तो देखो अपना अगला काम है कि अपना अगला काम क्या है गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल हो सकता है, ये एस्टेब्लिश कैसे करें ना।
तो उसके लिए अपन देखो कैसा लेके चलेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गामा वन की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या आएगी। देखो गामा वन का मतलब एन की जगह वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है, एक्स रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो क्या बचेगा केवल यहाँ पे गामा वन होगा जीरो टू इन्फाइनेट ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको अगर अपन सोल्व करें तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स और लिमिट अपनी जीरो से इन्फाइनेट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जीरो डालने में ई रेस टू जीरो क्या हो जाएगा वन माइनस साइन, और ई रेस टू माइनस इन्फाइनेट यहाँ पे डालेंगे ई रेस टू माइनस इन्फाइनेट, ठीक है ई रेस टू माइनस इन्फाइनेट का अगर जीरो होता तो वन माइनस जीरो यानी वन, तो गामा वन अपना क्या हो गया वन हो गया, गामा वन अपना क्या हो गया वन हो गया। अब देखिए गामा वन अपना क्या हो गया वन हो गया, या फिर इसको वन फैक्टोरियल भी कह दूं मैं, है ना। अब एक बार अपन को ये माइंड में रखना कि गामा वन अपना यहाँ पे क्या आ गया वन आ गया, है ना। अब देखिए गामा टू अपन निकालते हैं, तो देखो गामा टू निकालने के लिए वापस ही अपन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अपन क्या जानते हैं कि गामा एन प्लस वन क्या होता है, एन गामा एन होता है। तो यहाँ एन की जगह अगर वन पुट करूं इस वाले रिलेशन में, जो भी मैंने डायरेक्ट किया था रेकरेंस रिलेशन गामा एन प्लस वन एन गामा एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके, तो यहाँ एन की जगह वन पुट करूं तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, वन प्लस वन क्या आएगा टू, और यहाँ के एन की जगह क्या आएगा वन, और यहाँ क्या आएगा गामा वन, यहाँ क्या आएगा गामा वन, है ना, यहाँ क्या आएगा गामा वन आएगा, और गामा वन की वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो कुल मिला के अपने पास क्या आया गामा टू, अपने पास क्या आया गामा टू, अपने पास क्या आया देखिए गामा टू अपने पास क्या आया, गामा टू भी अपने पास आया है गामा वन टाइम्स वन आया, है ना, गामा टू भी क्या है गामा वन टाइम्स वन आया, ठीक है। अब गामा थ्री निकाल के देखते हैं, तो गामा थ्री कितना आएगा देखिए, गामा थ्री निकालने के लिए इसके अंदर अगर मैं पुट करूं एन की जगह टू, तो टू पुट करने में क्या आएगा देखिए, टू पुट करने में यहाँ थ्री आएगा, है ना, टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा टू, और यहाँ कितना आएगा गामा टू, और गामा टू कितना है, गामा टू कितना देखिए, गामा टू है, गामा टू है वन डॉट गामा वन, और गामा वन की वैल्यू वन थी, तो कितना हो गया टू डॉट वन हो गया, तो टू डॉट वन का मतलब कितना हो गया टू फैक्टोरियल हो गया, तो गामा थ्री अपना क्या है टू फैक्टोरियल है, ठीक है, और गामा टू अपने पास क्या है वन डॉट वन यानी वन फैक्टोरियल है ना, मतलब एक एक लेस पावर फैक्टोरियल होगा, गामा टू कितना है वन फैक्टोरियल, गामा थ्री कितना है टू फैक्टोरियल है। अब देखिए गामा फोर पे फोकस कीजिए, गामा फोर देखते क्या आएगा, गामा फोर कितना आएगा देखिए, एन की जगह अगर थ्री पुट करें तो थ्री प्लस वन गामा फोर, और यहाँ एन की जगह कितना आएगा थ्री, एन की जगह कितना आएगा थ्री, और यहाँ कितना आएगा गामा थ्री, और गामा थ्री अपना देखिए क्या है, गामा थ्री अपना है टू फैक्टोरियल, है ना, तो थ्री डॉट टू फैक्टोरियल, थ्री डॉट टू फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया थ्री डॉट टू डॉट वन यानी कितना हो गया थ्री फैक्टोरियल हो गया, तो गामा फोर अपना क्या निकल गया थ्री फैक्टोरियल निकल गया। सिमिलरली अगर मैं गामा फाइव अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो वो फोर फैक्टोरियल निकलेगा, और गामा सिक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो फाइव फैक्टोरियल निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अपन गामास की वैल्यूज फैक्टोरियल की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान काम हुआ, है ना। तो अपना हायर ऑर्डर के जो इंटीग्रल होंगे, है ना, उसमें अगर डायरेक्ट अपन एन को पहचान लें, जैसे यहाँ एन की वैल्यू अपन को पता चली कि फाइव है, एन की वैल्यू फाइव कब आएगी जब एक्स की पावर फोर होगा, फाइव माइनस वन फोर, तो एन की वैल्यू पता चली फोर है, तो गामा फोर इसका मतलब थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू थ्री डॉट टू डॉट वन यानी डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या होगी सिक्स होगी, है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बार बार डायरेक्ट अपन की वैल्यू निकल गई सिक्स, है ना। तो ये जो रिलेशन है देखिए, गामा वन तो मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया वन हुआ, फिर गामा टू के लिए मैंने यहाँ पुट किया वन प्लस वन, तो क्या है वन 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 प्लस वन यानी गामा टू यहाँ पर हो गया, और वन डॉट गामा वन यानी क्या हो गया वन डॉट वन हो गया यानी वन फैक्टोरियल हो गया, फिर गामा टू मैंने निकाला, है ना, जो वन फैक्टोरियल अपने पास आ गया गामा वन था वन फैक्टोरियल, फिर गामा थ्री कैसे निकाले यहाँ पर टू पुट किया, तो टू प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा टू डॉट गामा टू यानी टू डॉट वन हो जाएगा गामा टू, है ना, क्योंकि गामा टू तो अपना गामा वन था तो ये टू फैक्टोरियल, तो गामा थ्री अपना टू फैक्टोरियल निकला, फिर गामा फोर अपना क्या निकला तो थ्री पुट करने पर थ्री प्लस वन यानी गामा फोर और थ्री डॉट गामा वन, है ना, थ्री डॉट गामा थ्री, और गामा थ्री कितना टू फैक्टोरियल है तो थ्री डॉट टू डॉट वन यानी कितना हो गया थ्री फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर गामा फाइव देखेंगे तो गामा फाइव कैसे निकलेगा, गामा फाइव के लिए यहाँ पे फोर पुट करेंगे तो अपने आएगा फोर फोर मल्टीप्लाई गामा फोर, और गामा फोर कितना थ्री फैक्टोरियल, तो फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल कितना हो जाएगा अपना फोर फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखने चाहिए, कि डायरेक्ट अपन कोई भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बड़ी कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर x की पावर 9 हो x की पावर 12 हो कोई भी अगर पावर हो तो उसको अपन डायरेक्ट n पहचान के डायरेक्ट उसको वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक था गामा फंक्शन का जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है,
आने वाले वीडियो में मैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे मैं डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।